जीवन में हमारी छोटी छोटी गलतियां ही बड़ी परेशानियों का कारण बनती हैं। हमारी सेहत पर भी ऐसी ही चीजें या कहें कि आदतें सबसे बुरा प्रभाव डालती हैं। आपको भी उठते बैठते या दौड़ भाग करते हुए पैरों में तो कभी हाथ या कमर में दर्द महसूस होता है, तो इसका कारण आपकी हड्डियों का कमजोर होना भी हो सकता है। हड्डियों के कमजोर होने के पीछे जब कोई ठोस कारण नहीं होता तो हमारी कुछ बुरी आदतें ही दरअसल इसकी वजह होती है। अगर आप यही गलती कर रहे हैं तो आज भी आप संभल जाइए। आइए हम आपको ऐसे घरेलू नुस्खे और आदतें बताते हैं जो दादी नानी के समय से चलते आ रहे हैं और समस्या को आराम देने में काफी सहायक है। हड्डियों को कमजोर करने वाली आदतें, बहुत ज्यादा नमक खाना। नमक खाने से हड्डियों की बोन डेंसिटी कम हो सकती है। नमक में मौजूद सोडियम कैल्शियम को शरीर में कम करता है, इसीलिए खाने में नमक केवल और केवल स्वाद अनुसार या हल्का कम ही होना चाहिए। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं या आपके बच्चे दिन भर घर में ही रहते हैं तो ये हड्डियों के कमजोर होने का एक बहुत ही बड़ा कारण है। सूरज से मिलने वाला विटामिन डी हड्डियों की मजबूती यानी कि स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए बेहद जरूरी है। बहुत ज्यादा आलस करना भी हड्डियों को कमजोर बना सकता है। शरीर की मूवमेंट बहुत ही जरूरी होती है और इसी से आपकी हड्डियां भी मजबूत रहती है। स्मोक या धूम्रपान ना सिर्फ आपके फेफड़ों बल्कि आपकी हड्डियों पर आपकी बोन्स पर भी प्रभाव डालता है। खाने में पोषक तत्व शामिल ना करना भी एक बहुत ही बड़ी गलती है। खासतौर पर टीनेजर्स की अगर बात करें तो टीनेजर्स खाने में आनाकानी करते हैं जिससे उन्हें भरपूर पोषण मिल नहीं पाता और यही वजह होती है कि उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसके अलावा नींद पूरी ना होना और रात भर वेब सीरीज देखते रहना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे आपको नींद के साथ साथ हड्डी कमजोर होने की दिक्कतें भी हो सकती हैं। डिस्क्लेमर, यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है। इसे अपनाने से पहले चिकित्सकीय सलाह जरूर लें। हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है।